तो दोस्तों हमने भगवान शिव के दर्शन कर लिए हैं भैया। हर हर महादेव आंटी जी, जय सीताराम। हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल है आपके? जय श्री राम, हर हर महादेव। तो दोस्तों आज का जो व्लॉग होने वाला ये बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला। दोस्तों हम शिवरात्रि वाले दिन भी कह रहे थे भैया कहीं घूमने जाएंगे, मतलब प्रभु के दर्शन वर्शन करने जाएंगे, पर हमने माल घोटा वो इतने तरीके से, मतलब इतना बेस्ट बनाया कि भैया पूरे दिन में माल घोटे में लग गए दोस्तों। तो दोस्तों आज हम महादेव जी के दर्शन करने जा रहे हैं ओगणनाथ मंदिर, जो अपने मेरठ शहर में पड़ता है दोस्तों। और कहते हैं कि इसकी स्थापना भगवान परशुराम ने करी थी, है ना। ये अपने भाई लोग हैं, देख सकते हो, ये अपने महाराज जी। महाराज जी जय श्री राम। बताओ तो सही मंदिर के बारे में, ओगणनाथ मंदिर के बारे में। एक भी ओगणनाथ मतलब करने का हमारे गुरु लोगों की संपत्ति ओगणनाथ जी की, और दूसरा पार्ट इसमें है कि एक आर्मी यानी काली पलटन। दो पार्ट है इसमें, आर्मी और काली पलटन। दोस्तों बताते हैं कि जब यहाँ मतलब शुरू में लड़ाई हुई थी अंग्रेजों से, तो मेरठ से ही शुरू हुई थी। कौन से सन में हुई थी गौरव? 1857 में भाई, 10 मई 1857 को मेरठ से ओगणनाथ मंदिर से जो है वहीं से शुरू हुई थी भाई, मतलब पूरे देश में, मतलब यहाँ से शुरुआत हुई थी उसकी लड़ाई की, ठीक है, आजादी की, ठीक है। तो हम उसी के दर्शन करने जा रहे हैं मंदिर के, तो प्रभु का आशीर्वाद रहेगा तो सही सलामत दिखाएंगे तुम्हें व्लॉग में, ठीक है। तो दोस्तों हम ई रिक्शे में बैठ चुके हैं दोस्तों, देख सकते हो। और भैया हम खाली पेट हैं, प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं, भूख भी लग रही है। ये हमारे गौरव भाई साथ में प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं दोस्तों। और इस टाइम हम हैं भैया बेगमपुर पे, और यहाँ से जाता है ओगणनाथ मंदिर का रास्ता, और दिखाते हैं 5-10 मिनट का रास्ता दोस्तों, मिलते हैं तुमसे आगे, ठीक है। प्रभु के दर्शन कराएंगे, ठीक है। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। A few moments later. लो दोस्तों आगे प्रभु के दर्शन करने श्री बाबा ओगणनाथ मंदिर। ये देखो दोस्तों यहाँ मनी मेट्रो, यहाँ देखो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, ये देख सकते हो। जितनी भी यहाँ गाड़ी देख रहे हैं सब दर्शन करने आए हैं, पुलिस की भी गाड़ी है, कोई लपड़ा वपड़ा ना हो जाए। ये रे हमारे महादेव का मंदिर दोस्तों, यही है। अब हम उतरने वाले ई रिक्शे में से, गौरव भाई उतर चुके हैं। तो दोस्तों हम ई रिक्शे में से उतर चुके हैं दोस्तों, और आ चुके हैं श्री बाबा ओगणनाथ शिव मंदिर के पास में। ये देखो दोस्तों, और चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है भैया, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, क्योंकि यहाँ लड़ाई वड़ाई होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, भीड़ भाड़ लग जाती है, तो पुलिस हेल्प करने के लिए तो यहाँ रहती है ही 24 घंटे। ये दोस्तों देख सकते हो मेरे मंदिर, इसके भीतर जाएंगे, प्रवेश करेंगे और अच्छी तरीके से तुम्हें दर्शन कराएंगे दोस्तों। चलो भाई गौरव भाई आओ, कार की चोचलेबाजी, नेता बेटा, हाँ नेताओं के पीछे बेफालतू में पुलिस है, हाँ डिस्टर्ब कर रहे हैं, हाँ। तो दोस्तों लो आ गए अपने प्रभु के दर्शन करना, जय भोले बाबा, कृपा बरसाए रखना। तो भाइयों हमने बाबा के मंदिर में प्रवेश कर लिया है द्वार पे, और ये गौरव भाई हमारे हाथ पांव धो रहे हैं क्योंकि जब ही प्रवेश करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों तुम आगे। तो दोस्तों हमने चप्पल बाहर काढ़ी दी है, यहाँ सफा सफा लिख रहा कृपा जूते चप्पल पैर के गेट के अंदर प्रवेश ना करें। और ये देखो पब्लिक है, बहुत ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, बहुत ज़्यादा भक्तों की भीड़ है यहाँ इस मंदिर में। ये मेन मंदिर माना जाता है दोस्तों मेरठ का, क्या खतरनाक मंदिर है दोस्तों। ये देखो भीतर जाएंगे दर्शन कराएंगे, हमारे गौरव भाई आगे आगे हैं, बहुत ज़्यादा शांति है भाई यहाँ पे। ये माँ शेरावाली का मंदिर है, उधर कराएंगे बारी बारी से दर्शन कराएंगे सभी के। दोस्तों हमने भगवान शिव के दर्शन कर लिए हैं भैया, मन प्रसन्न हो गया हकीकत में बहुत ज़्यादा, हर हर महादेव दोस्तों। और ये पीछे जो कीर्तन हो रहा है वहाँ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, मतलब कीर्तन हो रहा घंटों से चल रहा, तो वहाँ हम दिखा नहीं पाए क्योंकि वहाँ फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है दोस्तों। दोस्तों जितना हम तुम्हें दिखा पाए हमने दिखा दिया भैया, क्योंकि कुछ जगह कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है भैया, और ना ही फोटो खींचना अलाउड है दोस्तों। तो अब बस इतना ही दिखा सकते हैं दोस्तों, ये छोटा सा व्लॉग आपको काफ़ी पसंद आएगा, है ना। ब्लॉग को हर जगह शेयर करना अपना, है ना। और एक दो जगह और दिखाते हैं तुम्हें दोस्तों, है ना, माता रानी के दर्शन तो करा ही देते हैं तुम्हें। दोस्तों हम आ चुके हैं माता रानी के मंदिर में, ये देखो ये मंदिर अलग है, कई मंदिर हैं। ये हमारे गौरव भाई आगे, और ये बहुत शांति है दोस्तों, ये देखो खतरनाक, जय माता दी। बिल्कुल पास से दर्शन कराता हूँ माता रानी के, ये देखो ये माता रानी के रूप हैं ये दोस्तों, देख सकते हो। चंद्रघंटा, ब्रह्मचरणी, शैलीपुत्री ये वगैरह इधर भी हैं, महागौरी, काली रात्रि, ये दोस्तों ये माता रानी के रूप हैं ये दोस्तों।
तो दोस्तों आप देख सकते हो जैसे भी लोटा वोटा चढ़ाना होता है मंदिर में, जलवल चढ़ाना होता है शिवलिंग पे, तो ये देखो दोस्तों यहाँ मतलब ये मंदिर के लोटा है, किसी को भी जल भर के मतलब यहाँ चढ़ा सकता है मंदिर पर, ठीक है। मंदिर वालों ने लोटा की सुविधा दे रखी है भैया, जो भी यहाँ के पुजारी होंगे तो यहाँ चंदन घिस के भगवान शिव के शिवलिंग पर लगाएंगे, ठीक है। और जब जाकर भी इतना दर्शन करते हैं, हम तो खैर बिना जल लिए चले गए क्योंकि दर्शन करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे दोस्तों। कई बार ऐसा हुआ कि दर्शन नहीं कर पाए, पर आज हमारा प्लान आखिरकार बनेगा। गौरव भाई कहाँ, गौरव भाई भंडारा में लग गए वो प्रसाद। तो दोस्तों ये देख सकते हो गौरव भाई प्रसाद ले रहे हैं। ये क्या मिल रहे हैं, कढ़ी चावल, ओके। मतलब भूख भी लग रही थी दोस्तों, प्रसाद मिल जाए अच्छी बात है। हर हर महादेव आंटी जी, जय सीताराम। तो दोस्तों मैंने प्रसाद खा लिया, बहुत अच्छा प्रसाद बना दोस्तों। अब भी बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है, देख सकते हो। चलो गौरव भाई, तो दोस्तों अब हम चलते हैं सीधे घर पे, मिलते हैं तुम्हें आगे ई रिक्शे में, चलिए बैठ के दोस्तों। तो दोस्तों अब एनर्जी से आइए प्रभु के दर्शन करके, ठीक है। और मतलब खाली पेट आए थे तो प्रसाद भी यहीं से मिल गया, तो पेट भी अपना सही से भर गया। तो भैया बात ये है दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्लान बना रहे थे दोस्तों, बहुत काफ़ी दिन से प्लान बना रहे थे प्रभु के दर्शन करने के लिए, पर क्या करें टाइम नहीं मिल पा रहा था। पर शिवरात्रि वाले दिन भी हमने टाइम बनाया तो मालवटा भी बना के पिया ही आपको, उसमें टाइम लग गया। ये देखो हमारे गौरव भाई। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ हकीकत में, ये छोटा व्लॉग है, शेयर जरूर करना व्लॉग को, हर जगह शेयर करना और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना दोस्तों। दर्शन करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई है हकीकत, क्यों गौरव भाई, मन संतुष्ट होगा दोस्तों, जो बुरी हवाएं वो दूर होगी। तो दोस्तों मिलते हैं तुम्हें घर पर जाकर, ठीक है। A few moments later. तो दोस्तों हम ई रिक्शे में से उतर चुके हैं भैया, अब हम जा रहे हैं सीधे लोकेशन पे अपनी। तो लो दोस्तों भैया प्रभु के दर्शन करके आ चुके हैं दोस्तों। तो हमारी तरफ से तो भैया जय श्री राम, हर हर महादेव। ये छोटा सा व्लॉग था दोस्तों, जो हमें दिखाना था भैया दिखा दिया। कुछ चीजें ऐसी थी जो मतलब कैमरा अलाउड नहीं था, पर हमने प्रभु के दर्शन कर लिए, आपको टाइम लैप्स में दिखा दिया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। हर हर महादेव।